स्तंभ है सब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और ये रहा ऊपर दिख रहा है, ऊपर ये दिख रही है ना, यहाँ पे बस चलने वाले अभी, और फिर ना वहाँ पहुँचेंगे बस। अभी वहाँ जाने वाले हैं, स्कूटी को खड़ी कर देते हैं पहले, फिर बाद में चलेंगे वहाँ पे। हम स्टार्ट करने वाले जर्नी हमारे दोस्त के साथ, चेतन के साथ, जो गाइड है। मतलब बहुत बार जा चुका है। कितनी बार जा चुका है आप यहाँ पे? पांच छह बार जा चुका है, तो इसको रास्ते अच्छे से याद है। अब इनके साथ जा रहे हैं और हमारे दोस्त नवनीत के साथ भी जा रहे हैं। तो पहले पहाड़ पे चढ़ने से पहले हम पहले मंदिर में दर्शन लेके आते हैं भोले बाबा के। दर्शन हो गए बोले के, अब ढोक दे लिया हमने। अब हम हमारे गाइड के पास जा रहे हैं, इधर खड़े थे तो बस अब यहाँ से चलने वाले हैं। हम छतरी लेके आए ना? हाँ, छतरी लेके आए, मेरे को लगा भूल के हम पीछे, लेकिन लेके आए। तो ये यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारा, अब चलना है। झरना देखने जा रहे हैं, झरना आ रहा है ऐसे बताया जा रहा है। नहीं तो बोलना नहीं, दिखाना नहीं, बस डायरेक्ट दिखाना है, नीचे से शूट कर लो। और ये झरना दिखाते हैं आपको, रुक जाएगा। वही कर रहे हैं, वन प्लस लेने वाले। अब ये स्टार्ट हो चुकी है जर्नी। और ये देखो यहाँ नहाने में लग रहे हैं। अब इनसे हम गुफा का रास्ता पूछ रहे हैं। गुफा का रास्ता बताओ किधर है? उधर ऊपर है। तो ऐसे तो बहुत ऊपर है यार, कहाँ पे जाइए बता? ऐसे मतलब पर्टिकुलर बता कहाँ पे, मतलब फिक्स जगह। रास्ता याद है? रास्ता नहीं याद, इनको भी नहीं याद। मैंने घबरा मत। क्या कह रहे हो? शेर आएगा? शेर? हाँ शेर आएगा क्या? देखा तो ये बता रहे हैं, ये दो बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे शेर आएगा, इसलिए हमने लठ भी ले लिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इन्होंने बोला है तो अब शेर आएगा तो देखते हैं। ये तो आते रहते हो कि तुम यहाँ पे? अरे देख लेंगे, ये आते रहते हैं। अगर शेर आएगा तो आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो तो आप देख ही लेना। शायद ये व्लॉग अपलोड हो पाए अगर शेर आ गया तो, ये मान लेना फिर आप, ये व्लॉग नहीं अपलोड होएगा। अच्छा क्या ये झीगरा? अच्छा, ये नहाने की जगह, मतलब अगर नहाना चाहो तो नहा सकते हैं यहाँ पे। इसको गहरा करते थे हम, गहरा नहीं है लेकिन हो जाएगा। बच्चों ने निकाला झीगरा, निकाला ऐसे झीगरा पे। मतलब बहुत कांटों का भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। देखो निकल के झुक के निकलना पड़ रहा है। आपको दिखा देता हूँ कांटे, ये देखो कांटे हर जगह, तो कांटे में से निकलना पड़ रहा है हमें बहुत मुश्किल से। चलो धीरे धीरे आपको और अच्छा दिखेगा, ये जो पीछे का है ना और मस्त दिखेगा। अभी तो हम आधा पहुँच चुके हैं ऐसा हमारा दोस्त बता रहा है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। और शेर का अलग ही डर लग रहा है, देखो अब ये ऐसे बोल रहा है कि कोई शेर नहीं है, तो अब देखते हैं यार क्या होता है। क्या बता रहा है बता? झीगरा मतलब जो अभी ये जो रेत दिख रही है आपको, ये रेत, ये इसको बोलते हैं झीगरा। तो ये झीगरा किधर से आता है जाओ आपको दिखाते हैं अभी।
ये जो पहाड़ है यहाँ पे, यहाँ से देखो ये दिख रहा होगा, यहाँ से आता है झीगरा, बेता 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 हुआ आ जाता है ये देखो। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, देखो ये पी के बता रहा है, बढ़िया। अब मैं पी के देख, ये देखिए यहाँ पर नेचुरल पानी का आनंद लेते हुए। अच्छा अच्छा सही है। हाँ, इस पानी की जो कंपैरिजन है वो आरओ से भी नहीं किया जा सकता। हाँ ये बात, नेचुरल पानी बिल्कुल बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। अब हमें क्या करना है, पहले इधर जाएंगे, फिर यहाँ से टेढ़ा होके, फिर उधर से घूम के, फिर इधर जाएंगे वापस। तो अभी दिखाते हैं आपको, देखते रहो पीछे का नज़ारा, अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर जाके बहुत अच्छा दिखेगा। लाखेरी का व्यूज तो दिखा दिया हमने आपको, ठीक है। अब यहाँ से कितनी देर का और बचा है, 20 मिनट का रास्ता और बचा, फिर ऊपर से और मस्त दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा थक चुके हैं, बैठे हैं, और ये ऐसी जगह देख रहे हो, ये चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए हम डंडा लेके आए थे, डंडे से आसानी से चढ़ा जाता है। तो अभी आप भी कभी जाओ गाय की वीडियो बना जल्दी पानी, तो डंडा बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस अब थोड़ा सा और रास्ता बचा, थोड़ा सा। लेकिन अब पता है क्या है, मेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी आने की। मेरी इच्छा क्या थी, मैं यहाँ देखना चाहता था कि ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे जाने के बाद इसके जस्ट पीछे क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे इसके पीछे है ना पानी है, बहुत सारी नदी होगी, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या है इसके पीछे, मुझे खुद को देखना है। लेकिन अब अभी देखेंगे जाके, मैं भी देखूंगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इसके पीछे क्या है। चलेंगे अपन वहाँ तक, जाने के बता रहा है वहाँ तक जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बारिश वारिश हो जाएगी, ये मैं पानी दिखा रहा हूँ, कहाँ दिखा रहा हूँ, जाएगी और ये ऊपर आते आते बारिश आ ही गई है। तो इसके भी हमारे पास जुगाड़ था, छाते थे लाए हैं, अभी ज़्यादा आएगी तो कर लेंगे, नहीं तो इतने में तो चलता है, ठीक है। चलो जल्दी सब ऊपर चलते हैं। देखो गाइस, बारिश आनी चालू हो चुकी है, और ऊंचाई तो मतलब यूं मान लो, ये देखो कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, शायद हल्का हल्का दिख रहा होगा नीचे का आपको, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, बारिश आ रही है। तो बारिश में हम ऊपर की ट्रैक कर रहे हैं, ऊपर का रास्ता बहुत खड़ा हो चुका है, देखो खड़ी पहाड़ अभी यहाँ से, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऊपर चल के मिलेंगे आपको, अभी बारिश आ रही है, ठीक है। चलो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई भी पहुँच चुके हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, और ये हमारे ब्लॉगर चढ़ने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी है, और चढ़ाई थोड़ी ऊंची है। देखो हम पहुंच चुके हैं लगभग, हमारे ब्लॉगर चढ़ रहे हैं अब। हम पहुंच चुके हैं, और ये काफी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने में फिर से हमें 1.5 से 1.5 घंटा लगेगा नीचे जाने में, तो अब हम 1 से 1.5 घंटे बाद जाएंगे। तो अब थोड़ी देर बैठ लेते हैं, यहाँ के सीन के मजे ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से आप मिलते देख सकते हो पहाड़ी का खाना। पहाड़ी का खाना देखो, हमारे लिए खाना आया, अब खाना वाना खा के फिर नीचे चलेंगे बाद में, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी वाला सीन,
और ये हमारे फोटोग्राफर ये रहे, और फोटो खींचते हुए अभी दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा लेकिन जब फोटो आएगी ना वो देखना आप, तो बस एक नंबर फोटो आएगी भाई। ऊपर आने के बाद हमें क्या मिला, क्या मिला है क्या ये बताओ? देसी प्याज। देसी प्याज है ये, देखो देसी प्याज, जंगली प्याज, जंगली जंगली सॉरी देसी नहीं जंगली प्याज है ये। तो चलो अब इसको फेंक देते हैं, फेंक दो। अब नीचे मिलेंगे, अब जा रहे हैं, अब नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि नीचे का रास्ता थोड़ा खतरनाक है उतरते टाइम, तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब बस वहाँ सीधा सीधा उतरेंगे और फिर नीचे मिलते हैं अब, ठीक है? चलो तो नहीं आया अभी, कितना बाकी है? थोड़ा बहुत ही बाकी होगा, थोड़ा बहुत ही बाकी है बस, अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अब रुक के देखो कितना नीचे उतरे हैं वापस ऊपर का, अगर आपको दिख रहा हो, सूरज की वजह से नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत नीचे उतरे हैं, अब थक चुके हैं थोड़ा सा, रिलैक्सिंग पॉइंट है हमारा ये, यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। लास्टली मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ, ऊपर जाने का बहुत अच्छा लगा एक तो पहले, और दो तीन बातों का, और आप लोग भी ध्यान रखें जो मेरे साथ हुई। पहला तो आप ऐसी जगह आए तो चड्डा पहन के नहीं आए, क्योंकि मैं खुद चड्डा पहन के आया था तो उसमें क्या हुआ, पेड़ के जो ये कांटे और ये सब होते हैं ये बहुत चुभे, ठीक है, पहला ये। और दूसरा ऐसा ऐसे टाइम पर आओ तो जो जूते हैं ना वो ऐसे मत पहन के आना जो स्लिप हो, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत थे तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा थे, वैसे हुए नहीं स्लिप, थोड़े थोड़े हुए वो संभाल लिए, और ज़्यादा तो है नहीं। तो बस जूतों का ध्यान रखें, ये रखें और डंडा साथ में रखें, बहुत ज़रूरत पड़ती डंडे की, और उसके साथ साथ बहुत पानी वानी तो लाना पड़ता है जिसको बहुत थकान होती है, वो पानी ज़रूर लाए ज़्यादा साथ में। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, और तो बहुत मज़ा आया और सब तो अच्छा लगा हमें, और खाने का भी लिया ना, भूख लगती ऊपर जाने के बाद, ठीक है। बस तो चलो अब यहीं था, और इसी के साथ घर चलेंगे, और ये ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करेंगे, अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, बस हो गया आज के लिए। अब लाइक करो, अच्छा लग रहा हो तो कर दो यार, और कमेंट वमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो अलविदा कहना चाहेंगे दोस्तों आप सभी को, और अलविदा इसी के साथ नवनीत, अलविदा कर दो गाइस, बाय 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 चेतन, बाय बाय कर दो दोस्तों को, चलो।